नमस्कार दोस्तों, डीवीसी कंप्यूटर के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे और अनबॉक्सिंग करेंगे एक कैबिनेट के बारे में, जो कि है बीवीसी की K13। ये कैबिनेट आपकी फ्रंट में और साइड में टेम्पर ग्लास में है और इसका जो रिंग है वो भी बहुत अच्छी है। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे इसके अंदर क्या क्या है, और मैं आपको इस वीडियो में इसके फीचर्स के बारे में बताऊँगा कि आपको इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह क्या मिलेगी। तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहे इस कैबिनेट की सारी डिटेल जानने के लिए। इसमें सबसे पहले हम देख सकते हैं कि इसके साथ हमें एक 120 mm का रेनबो LED फैन दिया गया है। ये इसके स्क्रूज हैं। अब आपको पता ही है बीवीसी की जितनी भी टेम्पर ग्लास की कैबिनेट्स आती हैं उनमें ये EPA पैकिंग होती है, जिससे कि टेम्पर ग्लास में किसी तरह का डैमेज ना हो, क्योंकि ग्लास जो है वो इजीली डैमेज हो सकता है। अगर हम इसके वेट की बात करें तो इसमें अप्रोक्स मेरे ख्याल से 4 kg के आसपास वेट है, और ये आपकी कैबिनेट है। ये आप देख सकते हैं इस साइड इसमें एक टेम्पर्ड ग्लास है और इसके ये फ्रंट में भी टेम्पर्ड ग्लास दिया गया है। हम इसकी कैबिनेट को खोलते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके भी ये साइड में स्क्रूज के साइड में रबर माउंटिंग दी गई है, जिससे कि ये इजीली ब्रेक ना हो। और ये नीचे भी यहाँ पे ये रबर कुशन बनाए गए हैं स्क्रूज के साथ, जिससे कि अगर किसी तरह के झटके वगैरह ट्रांसपोर्टेशन में लगते हैं तो ये टेम्पर डैमेज ना हो। हम इसकी वायर्स और स्क्रूज के बारे में बात करते हैं तो ये इसकी वायर्स है। वायर्स की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, ये आप देख ही सकते हैं कि वायर्स की क्वालिटी की अगर हम बात करें तो नॉर्मल जो कैबिनेट्स में वायर आते हैं उनसे बहुत ही अच्छी वायर्स इसमें दी गई है। ये आपका एक 3.0 के लिए पोर्ट है, एक ये आपका ये USB के लिए 2.0, ये HD ऑडियो के लिए है, और ये आपके मदरबोर्ड के लिए कनेक्टर्स हैं, जो कि आपके पावर के लिए, रिस्टार्ट के लिए, हार्ड डिस्क LED के लिए, पावर LED के लिए है। अब हम स्क्रूज को देखते हैं, स्क्रू में हमें क्या क्या दिया गया है। ये आपके ब्लैक कलर कोटेड स्क्रूज हैं, और ये आपके कैबिनेट में मदरबोर्ड वगैरह असेंबली वगैरह के लिए फिट करने में आपके यूज में आएंगे, हार्ड डिस्क वगैरह के लिए। स्क्रूज की क्वांटिटी की बात करें वो भी बहुत अच्छी है। हम देखते हैं इसमें आगे देखते हैं तो सबसे पहली बात अगर हम बात करें PSU की, तो PSU इसमें टॉप माउंटेड है, मीन्स आपको ऊपर की तरफ इसमें आप सप्लाई लगाएंगे। और अब हम मदरबोर्ड की बात करें तो इसमें आपका नॉर्मल मदरबोर्ड जो होता है ATX हो गया, माइक्रो ATX हो गया, मिनी ATX मदरबोर्ड आप इसमें लगा सकते हैं। और अगर लेकिन अगर आपका ज़्यादा ही लंबा बोर्ड है तो वो इसमें मैं बता कहूँगा आपको इसके अंदर ना यूज करें।
और अब हम बात करें अगर हार्ड डिस्क की, तो एक SSD आप यहाँ पे लगा सकते हैं, एक SSD आप यहाँ पे लगा सकते हैं, दो SSD के लिए जगह दे रखी है। एक SSD अगर हम बात करें तो एक SSD आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, एक 3.5 इंच की हार्ड डिस्क आप यहाँ पे लगा सकते हैं इसमें। एक 3.5 इंच की हार्ड डिस्क आपकी यहाँ लग जाएगी। इसके बाद हम बात करें अगर इसके फैन वगैरह की, तो आप देख ही सकते हैं कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसका टॉप में इसका एक मैग्नेटिक कवर दिया गया है, और ये आप यहाँ पे दो 120 mm के फैन लगा सकते हैं। आप इनको दोनों साइड से लगा सकते हैं, तो नीचे से भी लगा सकते हैं, ऊपर से भी लगा सकते हैं। ये आपका डस्ट कवर है मैग्नेटिक। इसके टॉप में और हमें क्या दिया गया है, एक 3.0 USB, दो 2.0 USB, और एक दो ये आपका माइक और हेडफोन जैक, ये रिस्टार्ट का बटन है, ये पावर का बटन हमें इसमें दिया गया है। हम बात करते हैं बैक साइड की, तो ये आपका यहाँ पे हम 120 mm का एक फैन और लगा सकते हैं, आप 80 mm, 90 mm, 80 mm का फैन इसमें एक लगा सकते हैं। और ये आपके यहाँ पे इसमें 7 एक्सपेंशन स्लॉट दिए गए हैं। हम बात करें इसके अगर फ्रंट पैनल की, तो ये आपका फ्रंट पैनल भी टेम्पर्ड ग्लास है, ये इसको थैली से कवर किया गया है जिससे कि इसके ऊपर स्क्रैच ना पड़े। ये आप हटा सकते हैं चाहे तो, चाहे तो नहीं भी हटा सकते हैं। टेम्पर्ड ग्लास को निकालने के लिए हमें बस इसको हल्का सा ऊपर से पुश करना है, ये देखिए इजीली बाहर आ गया। हम बात करेंगे अगर टेम्पर्ड ग्लास में हमें फ्रंट में क्या क्या है, फ्रंट पे में ये आपका टेम्पर्ड ग्लास निकालने के बाद आप इसमें यहाँ पे 3 120 mm के फैन या 360 mm का वाटर कूलर इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसमें 260 mm तक का ही वाटर कूलर इंस्टॉल करें, और ये आप नहीं, और आप इसमें 120 mm के 3 फैन इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। आप अंदर से फैन लगाएंगे तो वो इजीली आपके 3 फैन यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करें इसकी डाउन साइड की, तो आप देख सकते हैं इसमें नीचे भी आपके ये इसके सपोर्ट के लिए, कैबिनेट के सपोर्ट के लिए बेस दिया गया है, जो कि आपकी कैबिनेट की ग्रिप को अच्छा बना के रखेगा जब आप इसको यूज करेंगे। तो ये इसका बैक पैनल है। अब अगर हम इस कैबिनेट की ओवरऑल बात करें, तो अगर ये जो इसकी प्राइस रेंज है उसमें ये बहुत ही बढ़िया कैबिनेट है। और इसकी जो कैबिनेट में है आपका, एक मैंने आपको पहले ही बताया, एक साइड में टेम्पर्ड ग्लास और एक फ्रंट में टेम्पर्ड ग्लास इसमें दिया गया है, जो कि आपकी कैबिनेट को टेम्पर्ड ग्लास सीलिंग में इम्प्रूव कर देगा। अब हम बात करें अगर कैबिनेट के बारे में, तो कैबिनेट बहुत ही अच्छी है, बहुत ही क्वालिटी वाइज है, वेट भी इसका अच्छा खासा है, आपके फीचर्स भी इसमें अलग अलग सारे कवर होते हैं। आप इसमें ग्राफिक कार्ड भी बहुत हाइट तक लगा सकते हैं, अच्छा लॉन्ग ग्राफिक कार्ड भी यूज कर सकते हैं। कैबिनेट की हाइट भी अच्छी है, तो आप उसमें CPU कूलर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अब ये प्रोडक्ट जो है वो लिमिटेड एडिशन में था, अब कुछ ही प्रोडक्ट BBC के पास रिमेनिंग है। और इसकी अगर हम बात करें, तो अगर आपको ये कैबिनेट अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि लोग हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानें और उनको वो यूज कर सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि कोई भी नया प्रोडक्ट या लेटेस्ट प्रोडक्ट हम लॉन्च करेंगे तो उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे।